हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे फ्रेंड्स, और इस लॉकडाउन पीरियड में सेफ होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, आपको आइडिया आ गया है फ्रेंड्स, आज का वीडियो रैबिट के ऊपर बनने वाला है। और रैबिट का हम सारे डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, और कौन सा मेल कौन सा फीमेल सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। सो इनकेस आपको प्लान करते हो घर में कि आपको रैबिट रखना है, तो डेफिनेटली श्योर ये वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स। और ये वीडियो आपको सही में एक सारी इन्फॉर्मेशन इस सिंगल वीडियो में बताना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे कन्फ्यूजन है इसमें भी, मेल फीमेल जो भी है, इसका ब्रीड्स वगैरह, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा सब्सक्राइब कीजिए। मैंने चाहता हूँ फ्रेंड्स आपको कोई लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में रहे फ्रेंड्स, और आपको सारी चीज़ें मिलती रहे, बिकॉज ये एक चैनल है, बहुत लंबा होने वाला है चैनल, बहुत बड़ा होने वाला है, और इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ये सरप्राइजिंगली चीज़ें मैं आपके सामने लेके आऊँगा। सो ये रैबिट है फ्रेंड्स, ओके, ये जो पालतू रैबिट है, ये कोई जंगली रैबिट नहीं है। हम सबसे पहले इसका जो हिस्ट्री से चेक करेंगे, इसकी हिस्ट्री कैसी है, क्या है, ठीक है, ओके। ये जो रैबिट है फ्रेंड्स, ये यूरोपियन ब्रीड है, ओके, ये कोई इंडियन ब्रीड नहीं है। इंडियन ब्रीड क्यों नहीं है फ्रेंड्स? बिकॉज इंडिया के जंगल में ये जो व्हाइट कलर है फ्रेंड्स, ये जल्दी से छुप नहीं सकता है। तो इंडियन रैबिट आप कभी भी देखेंगे, कभी भी व्हाइट कलर में नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो इंडियन रैबिट ब्राउन कलर में होते हैं, ग्रे कलर में होते हैं, मिक्स कलर में होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं, ओके। वो बिल में छुपने वाले रैबिट होते हैं, किसी के हाथ में नहीं आते हैं, और बहुत शाइली होते हैं, कभी किसी के रात में बाहर आते हैं, ओके, इंडियन में। सो ये पालतू रैबिट है, ये यूरोपियन ब्रीड है, ओके, इसको बनी भी बोलते हैं, बनी। सो ये अलग नाम है बनी, और इसका इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। इसका जेंडर, मेल फीमेल सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो इसका लाइफ स्पैन फ्रेंड्स, ये इसका लाइफ स्पैन है ऑलमोस्ट 5 से 10 साल तक इसका लाइफ स्पैन है, ओके। और ये जो बड़ा है मेरे पास, ये एक जो बड़ा है, ओके, ये बड़ा रैबिट है मेरे पास, ये एक मेल है, ये फीमेल है, ओके, नीचे का जो मेल है, इसको जेंडर आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, इसको ऐसे पकड़ना है और चेक करना है। और यहाँ पे रैबिट्स के यहाँ पे चेक करना है, चेस्ट के ऊपर हाथ लगाना है और चेक करना है कि आपको निप्पल्स नज़र आते या नहीं आते। अगर निप्पल्स लगते हैं तो समझ लेना वो फीमेल है। और ये जो ये भी फीमेल है, कि इसको अभी बीच में बेबीज हुए थे, ओके, हाँ ये फीमेल है। इसका स्टमक को हाथ लगाना है फ्रेंड्स, आपको डरना नहीं है, स्टमक को हाथ लगाना है और चेक करना है, आपको समझ में आएगा। और ये बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होते फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये काट लेंगे आपको, तो ये बिल्कुल काटेंगे नहीं आपको, ओके। ये पालतू है, ये यूरोपियन ब्रीड है, और इंडिया में इसका बहुत क्रेज़ है, और बहुत फास्ट इसकी जो आपत्ति है, जो इसकी ब्रीड है, बहुत फास्ट ग्रो हुई है। सो इससे कोई बैन नहीं है फ्रेंड्स। छोटे बच्चे अगर प्लान करते हैं कोई डॉग्स वगैरह लेना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग डॉग, ओके, कोई आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आजू बाजू के जो लोग होते हैं, नेबर्स होते हैं, वो डिस्टर्बेंस होता है डॉग्स का, या तो फिर ऐसा आपको पेट रखना चाहते हैं जो आवाज़ नहीं करता है, तो रैबिट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। रैबिट किसी को परेशान नहीं करेगा। और इसका डाइट बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो इसका जो डाइट है, ये कोतम्बी, कैरोट, रेडिश, ओके, लेडीज फिंगर वगैरह, ये सारी चीज़ें खा लेता है। और मिर्ची वगैरह नहीं डालना है, पुदीना नहीं डालना है, ऐसे जो चीज़ें हैं जो स्पाइसी है वो नहीं डालना है आप रैबिट को, ठीक है। रैबिट को डाइट कैसा रखना है फ्रेंड्स, मॉर्निंग और इवनिंग में दो डाइट रखना है आपको, दो टाइम डाइट रखना है, ओके। तो डाइट में क्या देना है मैंने आपको बता दिया है, लीफी वेजिटेबल दे सकते हैं। अगर आप अपार्टमेंट रहते हो और बहुत आप मतलब बहुत से लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स कि रैबिट बहुत जल्दी गंदा करते हैं, तो गंदा नहीं करते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज ये अपने हाथ में है कि आप हम रैबिट को क्या खिला रहे हैं फ्रेंड्स। अगर हम रैबिट को अच्छा खिलाएंगे तो वो डर्टी नहीं करेगा। और सबसे पहले मैं रेफर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, रैबिट जो पैलेट आता है, छोटा छोटा पैलेट आता है, ठीक है, एक मिनट मैं आपको पैलेट बताता हूँ। पैलेट का एक गोनी है मेरे पास, ये पैलेट है, ये देखिए, ये ऐसा पैलेट है, ओके, ये पैलेट है, ये पैलेट अभी ये देखिए कैसा खाएगा, अभी ये देखिए कैसे खाएगा, खा रहा है। ये रैबिट का बहुत फेवरेट फूड है। और इससे क्या होता है, ये जो फूड में है सारे कंटेंट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो ये जो रैबिट को है, सारे जो न्यूट्रिशन से सारे मिल जाते हैं। इसके जो हेयर्स होते हैं, इसके जो कलर है, इसकी फिनिशिंग है, और इसके आँखें फ्रेंड्स, बहुत से लोग बोलते हैं कि इसकी आँखें लाल क्यों होती है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। इनके आँखें लाल होते हैं, लाल क्यों होते हैं, बिकॉज आँखों के अंदर जो आयरिस होता है, वो आयरिस डायरेक्टली ब्लड को रिफ्लेक्ट करता है, और इसी की वजह से हमें ये लाल नजर आते हैं फ्रेंड्स।
गावरन आप रैबिट देखेंगे, गावरन रैबिट के अंदर ये नहीं होता है आइडेंटिफाई, ओके, रेड आइज नहीं होते हैं। और जो इंडियन रैबिट होता है फ्रेंड्स, वो सरवाइव नहीं कर पाता है, वो काट लेता है हमें, ओके। सो दिस इज़ द यूरोपियन ब्रीड, और ये आप पाल सकते हो, और बहुत अच्छा पेट है, और इसका कोई कंप्लेंट्स नहीं है फ्रेंड, कुछ भी कंप्लेंट नहीं है। ये आप पैलेट खिलाओ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गंदा नहीं करेगा, आप ज़्यादा मत खिलाओ इसको। आपको एक बताना चाहूँगा, आप ओवर फीडिंग मत करो रैबिट को, रैबिट एक ऐसी चीज़ है, ऐसी का पेट है फ्रेंड्स, आप दिन भर भी आप उनको खिलाएंगे फ्रेंड्स तो वो खाते रहेगा। तो इसका मैं बताना चाहूँगा आपको, रैबिट को कैसा रखना है। आपको ये जो केज दिख रहे हैं आप, ये केज, ऐसे केज में आप रैबिट को रख सकते हो, आप टेरिस पे रख सकते हो। और बताना चाहूँगा, ये रैबिट को जो हाई रेज होते हैं, सनलाइट होती है, या तो फिर अपन हम लोग जो टॉर्च मारते हैं, टॉर्च जो रेज है वो बहुत हार्मफुल होता है इनके आइज़ के लिए। तो सनलाइट में मत रखिए फ्रेंड्स इसको ज़्यादा, तो सनलाइट में रखेंगे तो इनकी आँखों को बहुत तकलीफ होगी, और ऑलरेडी इनके जो बॉडी के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट जो पर्स है, ओके, जो बाल है, वो एक स्वेटर का काम करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जल्दी भाप जाते हैं, मतलब ये डायरेक्ट सफोकेशन हो जाता है इनको। और इनको कूल प्लेस में रखना है फ्रेंड्स आपको, ज़्यादा हॉट प्लेस में नहीं रखना है, ठीक है। और इसके बाद बताना चाहूँगा आपको, ये काटते नहीं है, ये बिल्कुल काटते नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप रैबिट को कैसा ट्रीट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी मेरे रैबिट्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है, अभी ये पूरा फैमिलियर हो चुके हैं मेरे साथ। जैसे कि हम कुछ लोग कोमड़ी पालते हैं, कोमड़ी पालने के बाद क्या करते हैं, 3 से 4 दिन 5 दिन आप उसे बांध के रखते हो, बांधने के बाद क्या होता है, आप छोड़ देते हो, तो वो कोमड़ी आपके घर के आसपास ही खेलेगी। सेम इसका सिचुएशन है, मैंने इनको इतना फैमिलियर कर दिया है यहाँ पे कि मैं कहाँ पर भी ओपन भी छोड़ देता हूँ उनको, तो फिर ये ऑटोमेटिकली उनके घर में आ जाते हैं। तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है, और सबसे बात इसको डेंजरस है, बिल्ली से डेंजर है, बिल्ली और मुंगूस, मुंगूस बहुत हार्मफुल है, ये जो नॉन वेजिटेरियन डॉग्स है, ठीक है, इनसे आपको प्रिकॉशन करना है। रैबिट्स कभी आपको कोई परेशान नहीं करेगा। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इन ये रैबिट्स है जो पानी पानी पीते हैं, आपको पानी डालना है हमेशा, आपको इनके केज में पानी डालते रहना है, बिकॉज ये इनको बहुत प्यास लगती है, भूख लगती है, भूख के एडजस्ट कर लेंगे लेकिन प्यास एडजस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो आप जितना कम पानी डालेंगे इनको, तो उतना वो येल्लो कलर का यूरिन करेंगे, तो मैक्सिमम आप वाटर यूज़ करना है, क्योंकि उनका यूरिन स्मेल नहीं करेगा, आप पानी नहीं डालेंगे तो उनको यूरिन स्मेल करेगा। तो यूज़ ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एनिमल्स, ओके, सारे जो जीव जंतु है उनको पानी आप देते रहिए। और इसका एक फूड आता है, बेस्ट फूड है, अच्छा फूड है, बिल्कुल बेफिक्र रहना आपको। आपके घर में ऑलरेडी आप मेथी, पालक, ब्रिंजल जो भी है आप बनाते हो, जो वेस्ट मटेरियल जाता है, तो वेस्ट मटेरियल आपको फेंक के नहीं देना है, आप डायरेक्टली रैबिट को दे दीजिए, और रैबिट पूरा खा लेगा, ओके। और कोई बिजनेस डालना चाहता है, रैबिट फार्मिंग करना चाहता है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है फ्रेंड्स, तो आप गवर्नमेंट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। मेरे ख्याल से ये जो रैबिट आप इसको ब्रीडिंग करेंगे, तो ब्रीडिंग को कुछ एरिया लगता है, ज़मीन लगती है, वो आप प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करेंगे तो गवर्नमेंट के लोग आपके घर पर आएंगे, सर्वे करेंगे, उसका सब्सिडी भी मिलता है, उसके जो इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ठीक है। और एक रैबिट फ्रेंड्स 300 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में गवर्नमेंट वाले लेके जाते हैं आपसे, एज पर द मार्केट पॉलिसी, एज पर द मार्केट रेट वो आपसे परचेस करेंगे। और ये रैबिट्स के बहुत सारे पॉजिटिव ऐसा है कि फ्रेंड्स ये नेगेटिव एनर्जी खींच लेता है फ्रेंड्स, और रैबिट ऐसा चीज़ है कि ये शांत एरिया में रहना पसंद करते हैं। और छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ है, स्पेशली लेडीज़ और छोटे बच्चे हैं, किड्स है, वो इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा है एक रैबिट फ्रेंड्स, अगर आपको रैबिट्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके, मेरा मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके अलावा रैबिट्स के, हाँ, और एक मैंने इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, रैबिट्स को आप बात करना या नहीं करना है, मतलब आप नहला सकते हो या नहीं लेना सकते हो, मतलब बाथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर रैबिट और नॉट, यस, बाथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर रैबिट, यस, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये यूरिन कर देते हैं, उसके ऊपर ये चल जाते हैं, तो कुछ स्पॉट्स आते हैं उनके बॉडी के ऊपर ऐसा, तो आपको वो क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है फ्रेंड्स, आपको ऐसा एक टब लेना है, ओके, टब लेना है, टब में ये रैबिट को ऐसा पकड़ना है, ओके, टब में वाटर फिल करना है, शैम्पू वगैरह लाना है, शैम्पू मिक्स करना है, और पानी के अंदर छोड़ देना है इसको ऐसा, और स्लाइटली ऐसा 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 पानी के अंदर उसको वॉश कर लेना है फ्रेंड्स। और फिर दूसरा वाटर लेना है, दूसरे वाटर के अंदर वॉश करना है। और एक बात ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, डायरेक्टली आप पानी हेड के ऊपर नहीं डालेंगे, अगर आप डायरेक्टली पानी हेड के ऊपर डालेंगे तो एक बॉडी का टेम्परेचर पूरा डिस्टर्ब कर देगा रैबिट का, और
ये बीमार पड़ सकता है, इसको सर्दी हो सकती है। तो बेस्ट टाइम फॉर बाथिंग इज आफ्टरनून फ्रेंड्स। आफ्टरनून धूप में आप नहलाना नहीं है, थोड़ा समर सीजन है, समर सीजन में नहलाओ आप और गैलरी में छोड़ दो, ऑटोमेटिकली वो एकदम सेट हो जाएंगे। और मेल फीमेल का मैंने बता दिया है, स्टमक को हाथ लगाना है और चेक करना है निप्पल्स लगते या नहीं लगते। सेकंड ऑप्शन है, आपको यहाँ से इजीली दिख जाएगा ये मेल है या फीमेल है। ओके, सो ये बहुत इजी ब्रीड है, पेट है पालने के लिए, आप पाल सकते हो इसे। और मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन होगा, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।